Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, today we will start the next topic, clothes. Clothes cover our body. They protect us from heat, cold and rain. Clothes क्या करते हैं? Clothes हमारे body को cover करते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्लॉथ्स हमारे बॉडी को कवर करते हैं और दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा. ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं. सुरक्षा ये किससे करते हैं? ये सुरक्षा करते हैं हमारे हीट से, कोल्ड से और रेन से. दे ऑल्सो कीप अस सेफ फ्रॉम इंसेक्ट बाइट्स. इसके बाद ये जो छोटे मोटे इंसेक्ट जो हमें काटते हैं उससे भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. ये और साथ में जो डस्ट और डर्ट होती है, डस्ट और डर्ट का मतलब होता है जो धूल होती है, उससे भी हमारी बॉडी को बचाते हैं, ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं, तो क्लॉथ्स हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं. अब आपसे कोई पूछेगा तो कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, तो आप बताओगे कि हीट, कोल्ड और रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ में जो डस्ट और डर्ट होती है उससे भी हमें ये बचाते हैं, और साथ में जो इंसेक्ट बाइट, जो छोटे मोटे इंसेक्ट हमें काटते हैं, तो उससे भी ये हमें बचाते हैं, ठीक है? ओके. डिफरेंट क्लॉथ्स. अब जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंट क्लॉथ्स. अभी हमने पढ़ा क्लॉथ्स हम क्यों पहनते हैं. अब हम जानेंगे कि जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं वो एक ही तरह के क्लॉथ्स नहीं होते हैं, वो अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है? वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन में, अलग अलग सीजन में हम लोग अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं. अब सीजन के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है. सीजन हमारे यहाँ 3 टाइप के होते हैं, समर, विंटर और रेन. तो वी वियर लाइट, लाइट मतलब होता है हल्के कॉटन. वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. हॉट का मतलब होता है गर्म. जब गर्म होता है मौसम, हमारा मौसम गर्म कब होता है? समर सीजन में. तो समर सीजन में हम लोग जो है कॉटन और लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं. कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल. जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं ये हमारी बॉडी को कूल करते हैं. कूल मींस होता है ठंडा रखते हैं और हमारे बॉडी को कंफर्टेबल बनाते हैं. वी वियर वुलन क्लॉथ्स. वुलन का मतलब होता है ऐसे क्लॉथ्स जो वुल से बनते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये वुल क्या चीज़ होती है? तो कुछ एनिमल्स जैसे कि शीप. शीप एक एनिमल होता है जिसे हिंदी में हम भेड़ बोलते हैं. इसके जो हेयर होते हैं उसके हेयर को काट दिया जाता है जिसे हम लोग वुल कहते हैं, और उससे बनाए जाते हैं कुछ कपड़े जिसे हम लोग वुलन क्लॉथ्स बोलते हैं. ये कपड़े हम लोग क्यों पहनते हैं? टू कीप आवर बॉडी वार्म. हम अपनी बॉडी को वार्म मतलब गर्म रखने के लिए ऐसे कपड़ों को पहनते हैं जो वुल से बने जाते हैं, ठीक है? कब पहनते हैं? व्हेन इट इज़ कोल्ड. जब बहुत ठंड पड़ती है. तो जब ठंड किस सीजन में पड़ती है? विंटर सीजन में. विंटर सीजन में क्या होता है कि कोल्ड हो जाता है मौसम, तब हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं और मेड ऑफ वुल, जो कि वुल से बने होते हैं. तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि वुलन क्लॉथ्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि सर जो क्लॉथ्स वुल से बने होते हैं उसे हम लोग वुलन क्लॉथ्स कहते हैं. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो वुल होता है ये वुल कहाँ से आता है? तो अब आप बताओगे सर जो शीप नाम का एक एनिमल होता है उसके हेयर को जब काट दिया जाता है, उसके हेयर या जो फर होते हैं उसको जब काट दिया जाता है, तो उसी को हम लोग वुल कहते हैं, और उसी से हम लोग का जो है वुलन क्लॉथ्स बनता है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ.
पैराग्राफ पे। ये आप देखो यहाँ पे ये वोलन क्लॉथ्स हैं और ये देखो लाइट कॉटन क्लॉथ्स हैं जो कि ये समर सीजन में पहने जाते हैं और ये विंटर सीजन में पहने जाते हैं, ठीक है। अब आ गया रेनी सीजन। व्हेन इट रेन्स, रेन्स मतलब बारिश, जब बारिश होती है तो वी वियर रेन कोट्स, हम लोग रेन कोट्स पहनते हैं और गम बूट्स पहनते हैं। ये देखो ये जो बूट्स पहना गया इसे हम लोग गम बूट्स बोलते हैं, ठीक है। ये बूट्स पहनने से क्या होता है, पैरों में हमारे कीचड़ यानी कि मड नहीं लगती है, ठीक है। एंड कैरी अम्ब्रेला, और हम लोग रेनी सीजन में अम्ब्रेला भी यूज करते हैं, ठीक है। रेन कोट्स आर मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक दैट डज नॉट गेट वेट। रेन कोट्स किससे बने होते हैं, तो रेन कोट्स बने होते हैं रबर से और प्लास्टिक से, दैट डज नॉट गेट वेट, जो कि बारिश में भी गीले नहीं होते हैं। वी ऑल्सो वियर रबर शूज, हम लोग रबर शूज पहनते हैं जिसे हम लोग गम बूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गम बूट्स, दैट आर फिट फॉर द रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन के लिए बहुत ही फिट होता है, क्योंकि रेनी सीजन में हमारे पैरों में कीचड़ लग जाते हैं तो उनसे वो गम बूट्स क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स क्या होते हैं, समटाइम्स ए ग्रुप ऑफ पीपल वियर स्पेशल क्लॉथ्स। कभी कभी क्या होता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग एक ही तरह के स्पेशल क्लॉथ्स पहनते हैं जिसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। दीज आर नोन एज यूनिफॉर्म। वी टू वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। हम लोग भी यूनिफॉर्म पहनते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं। आप जब स्कूल में जाते हो तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक ही तरह के क्लॉथ्स सभी लोग पहने होते हैं, है ना। तो ऐसे क्लॉथ्स जो एक ही तरह के क्लॉथ जिसको बहुत सारे लोग पहने होते हैं उसे हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं, ठीक। विच क्लॉथ्स डू वी वियर व्हेन वी गो स्विमिंग, जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो कौन सा क्लॉथ्स पहनते हैं। तो जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तब हम जो है स्विमिंग क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। वो एक अलग तरह का कॉस्ट्यूम होता है जिसमें एयर भरी होती है और जो है वो जो है काफ़ी टाइट होता है, ठीक है ना। एक होती है जैसे जब हम स्विमिंग करने के लिए आते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको तैरना नहीं आता है वो सीखते हैं तो उनके लिए एक अलग क्लॉथ्स आता है, उसमें एयर होता है, उसको पहन लेने से वो डूबते नहीं है पानी में। और जो अच्छे से तैर लेते हैं उनके लिए एक अलग स्विमिंग क्लॉथ्स आता है जिसको स्विमिंग कॉस्ट्यूम बोलते हैं, ठीक है। वो उससे जो है हम इजीली जो है वाटर में स्विम कर सकते हैं। इको फिट में पढ़ते हैं, द कॉटन प्लांट्स गिव्स फाइबर फॉर कॉटन क्लॉथ्स एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड एज फूड फॉर एनिमल्स। अब जो कॉटन क्लॉथ्स बनता है हमारा, उसके लिए जो कॉटन मिलता है वो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। कॉटन हमें मिलता है प्लांट से, फिर उससे हम लोग फाइबर बनाते हैं और फाइबर से फिर जो है उसको यार्न बनाते हैं, यार्न से फिर हमारे क्लॉथ्स बन जाते हैं, ठीक है। ये आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो इन चीज़ों को आप बेटर तरीके से समझ पाओगे, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आपका टॉपिक जो है यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।